द टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, डार्क टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी, यूपी का जनपद रायबरेली। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर मनाए जाने वाले टीचर्स डे को रियान इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने भी सेलिब्रेट किया। अपने प्रिंसिपल और टीचर के साथ बच्चों ने केक काट कर उन्हें बधाई दी और उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलने की प्रतिज्ञा ली। रियान इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने बताया कि जिन अध्यापकों ने उन्हें पढ़ाया, उनका आशीर्वाद जीवन भर मिलता रहे और उनके संरक्षण में वह सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते रहे। इसके लिए उन्होंने टीचर डे को सेलिब्रेट किया और उन्हें उपहार दिए। स्कूल के अध्यापकों ने कहा कि हमारे स्कूल के बच्चे हमेशा पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं, जिससे वह स्कूल का नाम तो रोशन करेंगे ही, साथ ही अपने माता पिता का नाम भी रोशन करेंगे। डार्क टाइम्स न्यूज के लिए रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। किस चीज़ का सेलिब्रेट कर रही थी आज? मेरा नाम स्मृति जायसवाल है और हम रायन इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे हैं। हम लोग आज टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये क्यों मनाया जाता है? ये हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिवस पे मनाया जाता है। कौन थे ये? ये एक बहुत ही अच्छे टीचर थे, इन्होंने बहुत कुछ बताया और ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनके नेतृत्व में हमारे देश ने काफ़ी उन्नति की थी। क्या नाम आप? अक्षय द्विवेदी। अच्छा, ये किस चीज़ का सेलिब्रेट यहाँ कर रहे हैं? टीचर्स डे का सेलिब्रेशन। क्यों मनाया जाता है? ये हमारा 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, तो उन्हीं को आज हम सेलिब्रेट करते हैं। आज रैन इंटरनेशनल स्कूल रायबरेली में छात्रा बच्चों का जो काउंसिल मेंबर्स ने 12th के बच्चों ने, क्योंकि उनके लास्ट ईयर है, उस वजह से टीचर्स डे मनाया गया बाय कीपिंग सारे सोशल डिस्टेंसिंग करके। केवल 12th की 50% जो बच्चों को बुला के सारे टीचर्स को सोशल डिस्टेंसिंग से सेलिब्रेशन किया। डार्क टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।